ज्यादातर लोगों की एज के साथ साथ एनर्जी कम होती है, आपकी बढ़ेगी। तो अब ये कैसे होगा? नंबर वन, बॉडी। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, एज सिंपल एज इट मे साउंड। बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। कितने हैं जो एक्चुअल में अपनी बॉडी के ऊपर डेली एक घंटा काम करते हैं अच्छे तरीके से? मतलब बॉडी चीखने लग जाती है, कहती है कि नहीं बस करो, बहुत हुआ। चाहे वो योगा हो, चाहे जिम हो, चाहे ये हो वो हो, एक्चुअल में स्वेट निकलता है बॉडी में से, बहुत कम। करते भी होंगे तो मुझे पता है क्या करते होंगे, थोड़ा बैल्कनी में वॉक कर ली, तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, तो अब जरा खा लेते हैं। इतनी सी बैल्कनी नहीं है, वहां पे वॉक कर रहे हो, देखा है मैंने ऐसे लोगों को। मैं कह रहा हूं बॉडी पे काम करने का मतलब क्या, समझ आ रहा है? डेफिनेशन समझ आ रही है? पसीने आने चाहिए, यू मस्ट स्वेट, इतना एक्सरसाइज करना है डेली, तभी आपकी बॉडी फिट रहेगी। क्योंकि बॉडी इसी के लिए बनी है, पड़े रहने के लिए नहीं बनी है। सिर्फ नाम के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, नाम के लिए वर्कआउट नहीं करना है, एक्चुअल में करना है। तो अब ये बात थियोरेटिकली तो हमको समझ आती है, प्रैक्टिकली हम क्यों नहीं कर पाते? कभी पूछा है अपने आपसे? लोगों के पास टाइम नहीं है सर। अरे क्या बकवास बात है ये, लोगों के पास में टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज है। नेवर गेट इन टू दिस एक्सक्यूज मोड। दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि दिन में 24 में से 20 घंटे करो, 24 घंटे में से एक घंटा, परसेंटेज वाइज कितना हुआ? हार्डली 4%। एक घंटा तो अपने ऊपर लगाना बनता है ना, अपनी बॉडी के ऊपर। और टाइम नहीं है तो टाइम हमारा जा रहा है तो कहां जा रहा है? अगर बॉडी आपकी फिट नहीं रही, कुछ अचीव कर भी लिया, वो किस काम का है? आप कहते हो टाइम नहीं है, किस में टाइम जा रहा है? पैसा कमाने में जा रहा है। अच्छा ठीक है, पैसा तो आपने कमा लिया, बॉडी की वॉट लगी हुई है, कमा किसके लिए रहे? ऐसा आदमी ना खुद के लिए काम का है, ना अपनी फैमिली के लिए काम का है, बल्कि एक लायबिलिटी है। कड़वी तो नहीं लग रही मेरी बातें सुनने में? सच है। अगर आप कहते हो कि मैं अपने बच्चों में बिजी हूं, तो वो मां जो खुद का ध्यान नहीं रख सकती, वो बच्चों का क्या रखेगी? पहले आपको खुद का ध्यान रखना है, तब आप बच्चों का रख सकते हो ना। तो इस एक्सक्यूज में कभी मत पढ़ो, ये देख लो ये एक एक्सक्यूज है कि टाइम नहीं है। नेवर से टाइम नहीं है। द मोमेंट यू से दैट एंड योर ब्रेन एक्सेप्ट्स इट, टॉपिक क्लोज। अब इस एक्सक्यूज को आप कहीं भी फिट कर सकते हो कि सर मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं है, खत्म, दी एंड। अब कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा। अब रुक जाओ आराम से समझो कि ऐसा क्यों होता है कि हम रुक जाते हैं, क्यों? देखो ध्यान से समझो, बिकॉज पड़े रहने में, कुछ ना करने में, यही कह लो आलसी बने रहने में एक मजा है, आलस में मजा है। सुबह 12 बजे उठने में मजा है या 6 बजे उठने में मजा है? 12 बजे उठने में मजा है, कुछ करना ना पड़े। किसी को वर्कआउट करते देखते रहो, मतलब आराम से बैठे रहो, मतलब मान लो आपकी बैल्कनी से कुछ नजर आता है, पार्क में लोग बैठे हैं, उल्टा सीधा कुछ कर रहे हैं, बैठे बैठे देखते रहो, मजा है। खुद करोगे तो सजा है। तो आपकी जो ब्रेन की सेटिंग है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी तीन पिलर्स में से हम पहले वाले पिलर पे हैं, वो क्या है? बॉडी। यानी एक है पड़े रहने का मजा, लेकिन ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म में तो इसमें मजा है, नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गाड़ी चलने के लिए बनी है, उसको आप उठा करके गैराज में रख दो, ऊपर से पानी बारिश है, वो जंग लग जाएगा, सड़ जाएगी पड़े पड़े। तो अब आपको क्या करना होगा? अभी आपको मजा आ रहा है कुछ ना करने में, अगर आपको कुछ करने में मजा आने लग गया, उसमें भी मजा है। ये वो लोग समझ सकते हैं जो एक्चुअल में वर्कआउट करते हैं। बताना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कि जब जैसे कितने हैं जो जिम करते हैं या किसी तरह का कोई वर्कआउट करते हैं, जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, जैसे मान लो कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10, 11, 12, 20, जो 21वां और 22वां करते हैं, दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में मजा है या नहीं है? योर ब्रेन मस्ट क्रेव फॉर दैट स्वीट पेन, इसको स्वीट पेन बोल सकते हो। और मजे की बात पता है क्या है? ब्रेन को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आप जैसे ब्रेन को समझाने लग जाओगे, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा है, बच्चे को जिस सांचे में ढाल दिया वैसे ही ढलता चला जाएगा। ब्रेन को अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया, और नहीं यार आज तो बहुत, ये क्या है, तो ब्रेन मान लेगी, ब्रेन उसी तरह के केमिकल्स रिलीज करेगी कि अब आप नहीं कर सकते। बट अगर ब्रेन को आपने एक दो हफ्ते तक झूठ बोला,
ब्रेन को आपने बड़े प्यार से बेवकूफ बनाया, लड़ना नहीं है ब्रेन से। ब्रेन को बड़े प्यार से बोला कि देख बेटा, ये जो पड़ा हुआ है ना, तो इसमें कुछ नहीं है, सोच तू वहां जाएगा, तेरे को कुछ स्वीट पेन मिलेगा, उसके बाद में बॉडी में एक स्ट्रेंथ होगी, जब स्ट्रेंथ होगी तो चल भी रहा होगा तो उसमें एक मजा होगा। तो इफ यू स्टार्ट कॉलिंग इट स्वीट पेन, जैसे स्वीट्स के लिए हमारी ब्रेन क्रेव करती है, तो धीरे धीरे आप देखोगे इस स्वीट पेन के लिए ब्रेन क्रेव करने लग जाएगी। जिस दिन आपको नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कुछ मिसिंग है, आपको लगेगा यार मजा नहीं आया, कुछ किया नहीं है, दिन बेकार हो गया आज का। अगर ऐसी आपकी हैबिट बन गई तो क्या होगा, अब आप नहीं भी चाहोगे तो आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, बाकी सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे, टाइम अपने आप निकल जाएगा। आप क्या गड़बड़ करते हो, आप बॉडी और माइंड को अलग अलग समझते हो, ये अलग अलग नहीं है। जब बॉडी फिट होती है तो माइंड अपने आप ही पीसफुल हो जाता है। देखो, जब भी हम काम करते हैं अपनी बॉडी पे, या तो करते हैं इमीडिएट रिजल्ट के लिए, यानी कि फटाफट से हमको अच्छा फील होने लग जाए तो हम खुश होने लग जाते हैं, अगले दिन करते हैं इतना अच्छा फील नहीं होता, फिर हम उसको करना छोड़ देते हैं। तो आपको कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा, डू यू वांट टू नो दैट या नहीं, आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, देखो बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। कोई भी आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो उसका जो असर आएगा आपके ऊपर, पहले तो ये समझ लो कि एक गुड पेन होता है, एक बैड पेन होता है। गुड पेन मतलब क्या, कि आपने स्ट्रेच किया, अभी एक पार्ट में पेन आ रहा है, जैसे आपने वो स्ट्रेच करना बंद किया वो पेन आना बंद हो गया, दिस इज गुड पेन। एक है आपने कुछ उल्टा सीधा स्ट्रेच कर दिया और उसके बाद भी वो पेन बढ़ता जा रहा है, दैट इज बैड पेन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड पेन एंड बैड पेन। अब इसमें एक और मजेदार बात आपको बताता हूं कि हमारी जो बॉडीज है वो हर मोमेंट में चेंज हो रही है, डेली चेंज हो रही है। तो आज अगर आप कुछ एक्सरसाइज करोगे, उसका पेन आ रहा है मान लो इस जगह पे, तो आप कल करोगे कहीं और आने लग जाएगा, मतलब वो पार्ट अब खुल गया है, तो अब आपको पता लगेगा मैं थोड़ा सा डीपर जा रहा हूं। अगर आप डेली एक एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली वहीं पे पेन आ रहा है जहां पर एक साल पहले आ रहा था, इसका मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे गए ही नहीं हो, आप वहीं घूम रहे हो गोल 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 गोल, जैसे खच्चर होता है ना, गोल 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 घूमता है ना, उसको बांध दिया जाता है, बस वहीं घूमता रहता है, उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, वो वहीं है जहां पर 10 साल पहले था, वहीं गोल 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 घूम रहा है। तो पेन मस्ट शिफ्ट, आप समझ गए, वो शिफ्ट होना चाहिए, वहां से हटके वहां पे पेन होना बंद हो गया और नीचे कहीं पे आया, फिर कहीं और आया, फिर कहीं और। तो अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है, अब मैं डीपर लेयर्स में पहुंच रहा हूं अपनी बॉडी की। पेन शिफ्ट होता है, और शिफ्ट तभी होगा जब आप एक किसी भी पोज को होल्ड करोगे फॉर एटलीस्ट अ मिनट। और मिनट होल्ड करने का मतलब क्या है, वो जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा। सिंपल हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना कभी एक मिनट के लिए, आपको पता लगेगा होल्ड कहते किसे हैं। मतलब सिंपल कह रहा हूं मैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड आसन नहीं करके चक्रासन में एक मिनट तक रहना, ना जी, शुरू करो यहां से भी, जाओगे जैसे ही बाहर, एक ऊपर हाथ करके स्ट्रेच तो करना चाहिए ना बैठे हुए एक घंटे तक, तो बस हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना आराम से स्ट्रेच करके, एक मिनट काउंट करना, आपको पता लगेगा व्हाट इज दिस वन मिनट। कभी कभी क्या होगा, आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा ये करने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से। कभी कभी बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा होगा, चाहे मन कर रहा है चाहे बहुत अच्छा लग रहा है, करना है तो करना है। एट टाइम्स यू विल गेट लॉट ऑफ प्लेजर फ्रॉम इट, इतना प्लेजर मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपको पता नहीं है इसकी डेप्थ क्या है, कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, और एक बार आपकी बॉडी फिट होती चली जाती है, तो क्या होता है, एनर्जी जो है वो पूरा प्रॉपरली फ्लो कर रही होती है। ऐसी एनर्जी होगी कि आप कहोगे कि हो क्या रहा है, सुबह उठोगे एकदम एनर्जी से भरे हुए हो, पूरे दिन एनर्जी से भरे हुए हो, मतलब कुछ कमाल की ही एक अंदर एक फीलिंग हो रही है, तो इस फीलिंग की वजह से खुश नहीं होना है, समझ गए, खुश नहीं होना है, फंस जाओगे बुरे तरीके से, क्योंकि इस फीलिंग से अगर आप खुश हुए तो हो सकता है अगले दिन ये फीलिंग ना हो, फिर आप उसको करना छोड़ दोगे। तो चाहे कैसी भी फीलिंग हो रही है, अगर आप इस तरह से चले जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, तो 2-3 साल में क्या होगा कि आपने अच्छी फीलिंग्स को भी छोड़ते गए, बुरी को भी छोड़ते चले गए, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेच डीपर होता चला जाएगा, मसल्स अंदर से स्ट्रांग होती चली जाएंगी, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और तब भी आप एनर्जी को नहीं पकड़ोगे, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करोगे, तो आपकी बॉडी कमाल की बनती चली जाएगी।